कैंपस के दरवाजे बंद हैं, पुलिस सामने खड़ी है और अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि अंदर हॉस्टल्स में घुस घुस के स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं और यहाँ पुलिस दरवाजा बंद करके खड़ी है। अंदर जहाँ स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है वहां कोई नहीं है पुलिस उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। JNUSU प्रेसिडेंट का सर फट चुका है, यहाँ पे CSRD डिपार्टमेंट की प्रोफेसर उनका सर फटा है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन पुलिस यहाँ आपको हमें रोक रही है अंदर जाने से, लेकिन जो अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको नहीं रोक रही है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि कैंपस में पिछले पौने दो घंटे से गुंडागर्दी हो रही है। सारा मीडिया यहाँ बाहर खड़ा है, हर कोई जानता है कैंपस में हॉस्टल्स को तोड़ा जा रहा है, आपने वीडियोस देखे होंगे, गर्ल्स हॉस्टल के वीडियो हैं, डंडे लेके लोग मार रहे हैं, लड़कियां जान बचा के भाग रही हैं, प्रोफेसर का सर पटा है, JNUSU यूनियन के प्रेसिडेंट का सर पटा हुआ है और पुलिस नहीं है। पुलिस है सिर्फ मुझे आपको रोकने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। आप देखिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो पीछे से क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं इस वक्त मुझे बात करने से रोका जा रहा है। ये जो पीछे नारे लगाए जा रहे हैं यही वो गुंडागर्दी है जो आप अंदर देख रहे हैं। उस गुंडागर्दी का एक छोटा नमूना यहाँ है और इन्हीं के सहयोगी अंदर इस वक्त कैंपस में बैठ के पिटाई कर रहे हैं, लाठियां हैं, पत्थर हैं, वीडियो आ रहे हैं अंदर से कैंपस से। पुलिस आपको मुझे रोक रही है, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको नहीं कर रही है। और आप देखिए मीडिया वाले आप सब लोगों के सामने इस वक्त मुझे बात करने से रोका जा रहा है नारे लगा के। ये एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पे अंदर जाके पुलिस के प्रोटेक्शन में गुंडे अंदर घुसे हुए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, गुंडे कैंपस के अंदर हैं, कैंपस के अंदर से फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैंने टीचर्स से बात किया है, स्टूडेंट से बात किया है, वो कह रहे हैं दहशत का माहौल है, हॉस्टल के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, लोगों के सर फटे हुए हैं, लोग अंदर अपना किसी का फ्रैक्चर हुआ है वो अंदर गिरा हुआ है। और पुलिस को उसकी कोई चिंता नहीं है, पुलिस को चिंता है कि आपका कैमरा अंदर ना चला जाए और उनके सहयोगियों को इस वक्त चिंता है कि मैं आपसे बात ना कर लूं। आप खुद देख रहे हैं किस किस्म की गुंडागर्दी यहाँ हो रही है। देश के प्रीमियर कैंपस पे हमला, पहले तो हम कहते थे वैचारिक हमला, अब तो ये फिजिकल हमला हो रहा है इसके ऊपर। और अगर देश में ये चलता रहा तो कैसे कोई संस्था बचेगी। इस वक्त पुलिस को यहाँ नहीं होना चाहिए, पुलिस को अंदर गुंडों को पकड़ना चाहिए। पुलिस ने इस गेट पे आने के रास्ते 1 किलोमीटर बाहर से बंद कर रखे हैं, 1 किलोमीटर दूर से हम पैदल चल के आ रहे हैं, तो पुलिस इतनी मुस्तैद है कि 1 किलोमीटर बाहर नाका लगा सकती है, पुलिस इतनी मुस्तैद है कि यहाँ गेट पे हमें रोक सकती है, लेकिन पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं है कि हॉस्टल में जाके रोक सके। जो आरोप है वो ये है कि बीजेपी के एक लीडर सत्येंद्र रावाना वो पुलिस के प्रोटेक्शन में अंदर गए हैं और वो वहाँ पे गुंडागर्दी को लीड कर रहे हैं। और ये जो पुलिस है जिनका काम है अंदर जाके लोगों को बचाना, वो इस वक्त आपको मुझे रोकने में लगी है। ये यहाँ के कैंपस की स्थिति है, इस कैंपस का एक विद्यार्थी होने के नाते उनके गौरव है, दुख है और